गाइस अभी तुम बिलीव नहीं करोगे मेरे को क्या मिला है। हमको कोई सोने की चीज मिली है। पीछे मेरे शहर का पूरा कचरा, जहाँ पर अमीर से अमीर और गरीब से गरीब दोनों का कचरा यहाँ पर इकट्ठा होता है। तो आज हम इस कचरे में से कुछ कीमती चीजें निकालेंगे जिनको बेच के हमें प्रॉफिट हो सकता है। उससे पहले हम इन घरों में छानबीन करेंगे, बिकॉज इन घरों को 2-3 महीने पहले ही खाली किया गया है, तो इसमें उनकी कुछ कीमती सामान हो सकते हैं जिससे हमारा प्रॉफिट हो। तो चलो इसके अंदर देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमको यहाँ पे दिख रही है आर्मी की हेलमेट। मुझे नहीं पता ये आर्मी के है या नहीं, बट यहाँ पे कोई वॉर हुई है लगता है। इसको फेंकते और अंदर जाके देखते। सो गाइस इस घर की हालत तो बहुत नाजुक लग रही है। अगर ये घर गिरा तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा RIP मकरा। गणपति बप्पा है हमारे सामने और गाइस अंदर की साइड भूतिया बंगले वाली फील आ रही है। यहाँ पर सिर्फ कपड़े पड़े हैं इधर, बाकी अगर हम इस साइड देखने आए इस साइड भी कपड़े पड़े, एक मटका पड़ा है, कुछ ज्यादा है नहीं। कपड़े बेच के अमीर हो सकते हैं? कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। दोस्तों तुमको सबसे अच्छी चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर भी कपड़े पड़े हैं। लोगों के पास कपड़े कितने होते हैं यार जीवन में। गाइस हमको कीमती चीज आखिरकार मिल चुकी है। गाइस यहाँ पे मैंने एक चीज देखी, यहाँ पर हमको मिल चुका है कांच का बढ़िया सा ग्लास, जिसको कि हम यूज कर सकते हैं। इस ग्लास को कोई दिक्कत नहीं है, बस धोने की देर है। तो आपको पहली चीज तो मिल ही चुकी है। अब हम दूसरे घर में जाने वाले हैं। पहले घर में तो हमने देखा वहां पर हमको एक कांच का ग्लास मिला, अब देखते हैं सेकंड वाले घर में क्या मिलता है। क्या पता कुछ सोने का मिल जाए, अद्भुत सा भूत बंगले वाली वाइब दे रहा है। कैमरामैन ऊपर आना जरा। इसकी हालत पहले वाले से भी ज्यादा खराब लगेगी, क्योंकि यहाँ पर कपड़े भी नहीं पड़े, सिर्फ यहाँ पर टूटी हुई सीमेंट ब्लॉक्स पड़ी है और कुत्तों का हगा हुआ। गाइस ये हमारे स्पाइडरमैन ने जाले फेंक दिए। वेल इस वाले घर में तो हमको कुछ नहीं मिला, तीसरा एक और घर है उसमें देख लेते हैं उसमें क्या मिलता है। गाइस इस घर का भी हाल बाकी दो घर की तरह ही है, कुछ खास नहीं है, बट यहाँ पर भी कपड़े नहीं है। कपड़े यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी टूटा हुआ सामान है, सबसे भी टूटा, इधर भी टूटा हुआ है, इधर भी टूटा हुआ है। भाई हमारे लिए कुछ छोड़ के जाओ यार, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, एक चीज नहीं है हमारे लिए। भाई टाइल्स निकाल लेता हूँ, यही तो, ये तो बिकेगा, इसको ले लेते हैं। तो गाइस ये हमारा लास्ट घर है, इसमें देख लेते हैं। इसमें भाई वायर पड़ी, अरे भाई मधुमक्खिया। यहाँ पे एक हमको डब्बा मिला है गाइस। गाइस डब्बे में कुछ तो है, भरा भरा सा लग रहा है, और इसमें अरे रे 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 बाहर आ बाहर, इसको तो बाहर आके दिखाना पड़ेगा। सो गाइस इसमें से हमको मिला है कीपैड वाला फोन, और ये ऑब्वियसली चालू नहीं है, और हमको मिला है एक रिमोट, इसकी लाइट पता नहीं कहाँ है। साथ में हमको एक टूटी हुई घड़ी मिली है, एक ईयरबड मिला है, और एक और घड़ी मिली है। चलो कुछ तो मिला है, इसको भी रख लेते हैं। सो हम वापस आ चुके थे मेरे सिटी के सबसे बड़े कचरे की ढेर में, जहाँ पर मैंने सामान खोजना चालू कर दिया, बिकॉज हमको घर में से कुछ खास मिला नहीं, तो अब सारी उम्मीदें इस जंक यार्ड पे टिकी है। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरा इंतजार कर रही थी। गाइस यहाँ पे घूमते घूमते मुझे एक चीज का एहसास हो रहा है, बदबू बहुत ज्यादा है यार, सांस नहीं ली जा रही मेरे से, कुछ करना पड़ेगा इसका। तो यहाँ पे दोस्तों हमको फोन मिल चुका है एकदम नया ब्रांड न्यू कंडीशन में, बट ये तो डमी फोन है यार, फिर भी यार इसका तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, रख लेते। तो गाइस हमको यहाँ पे एक सबसे महंगी चीज़ तो मिली है, टॉमी जीन्स का हमको एक बैग मिला है, और ये बैग लगभग 3-4 हज़ार रुपये का तो होगा, बट इसकी कंडीशन देख के लग रहा है कि ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। इसको तुमने ऐसे किसी को यूज करना हो तो बोलना, हम ले आएंगे। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो हमको किसी के वैलेंटाइन का गिफ्ट मिला है, जो कि शायद यहाँ पे पड़ा हुआ है। भाई तू पहचान रहा हो तो देख, तेरी बंदी ने यहाँ पे फेंक दिया है, पर ये हमारे किसी काम का। तो यहाँ पर मेरे को मेरे कॉम्पिटिटर भी दिख रहे हैं पीछे, जो शायद मेरे से पहले कुछ ढूंढ के ले जाएंगे, बट नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम पहले कुछ अच्छा खोजेंगे। सो यहाँ पर हमको क्रिकेट के भी ग्लव्स मिले। क्रिकेट फैंस वीडियो को लाइक कर देना,
बट ये भी हमारे किसी काम का नहीं, बिकॉज इसकी तो बैंड बज चुकी है पूरी की पूरी। भाई यहाँ पर तो कचरा ही है, खजाना कहाँ से खोजेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम दोनों घूम रहे हैं, ये मैं और ये मेरा कैमरामैन, और दोनों की हालत ख़राब होगी इस गंद के मारे। पर स्टिल हम लोग ट्राई कर रहे हैं कुछ खोजने का, 3 घंटे हो चुके हैं, हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पर सब जगह सिर्फ ये पॉलीथीन ही पॉलीथीन पड़ी हुई है, यहाँ कुछ काम का ही नहीं मिल रहा यार। शायद गलत कचरे के ढेर में आ गए, या फिर हमारे शहर के लोग अच्छा कचरा ही नहीं फेंकते। तो गाइस अभी धूप मेरे सर पे है और मैं तुम लोगों को काला नजर आऊंगा, तो उसको माइंड मत करना, तुम लोग कंटेंट पे ध्यान दो। सो गाइस यहाँ पे हमको कुछ ऐसी चीजें मिली, ड्राई स्टेट में बियर की बोतलें। गुजरात गवर्नमेंट कृपया ध्यान दे। वेल यहाँ पर घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई, बट हमको कोई भी काम की चीज नहीं मिली। मैं हार मान के घर जाने लगा, बट तभी मेरी नजर एक चीज पे गई। सो गाइस अभी तुम बिलीव नहीं करोगे मेरे को क्या मिला है। गाइस हमको कोई सोने की चीज मिली है, ये तो या फिर ये सोना है या फिर ये नकली है, इसका पता तो हमको बाद में चलेगा, बट अभी के लिए तो सबसे महंगी चीज मिली है गाइस, किसी अमीर की गिर गई होगी तो मान लेते हैं इसको। मैं तो मान रहा हूँ कि ये सोने का ही है, तुम लोग मानो ना मानो मैं तो मान रहा हूँ। इस कचरे के ढेर में भटकते भटकते सुबह से दोपहर हो गई है, और अब यहाँ पे गंद और गर्मी दोनों ही हमसे सहन नहीं हो रही है, और एक सोने की चीज भी मिल गई है, तो हम इसको इधर ही बंद करते हैं और इसका जाके पता लगाते हैं कि ओरिजिनल है या नहीं। सो गाइस मैंने इसको अभी अभी चेक कराया है, और उनका कहना है ये बिल्कुल ओरिजिनल है, और इसका प्राइस उन्होंने तकरीबन 6,000 रुपए बताया है। तो मैंने सोचा है हम इसको सेल नहीं करेंगे, हम इसका गिव अवे कर देंगे, या फिर किसी और का है कोई इसका ओरिजिनल ओनर है तो उसको दे देंगे, जिसके कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक होंगे उसको हम ये गिव अवे कर देने वाले। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।